नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं रितांभरा आपके साथ। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के डीएम के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए चर्चा की जाएगी। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही सभी जिलों और प्रखंडों में विभाग कोरोना टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। सहयोगी राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, नीतीश कुमार अभी उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ निकलकर बाहर आ रही है वहां से? देखिए रितम्बा, मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं सभी जिलों के डीएम के साथ और सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ। बैठक की समीक्षा हो रही है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले और सारे राज्यों में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए एहतियातन कदम ये उठाया जाए कि किस तरीके से कोरोना को एक तरीके से रोका जा सके। वैसे जैसे स्वास्थ्य विभाग की जितने भी जिला में जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं, चाहे अस्पतालें हैं, उनको चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है उन पर निगरानी रखी जा रही है कि किस तरीके से काम किया जाएगा। और वहीं स्टेशन हो या तो बस स्टैंड हो, तमाम ऐसे जगह पे कोरोना जांच के लिए सरकार तैयारी कर रही है और वैसे आइसोलेशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं और बढ़ाए भी जा रहे हैं कि जितना भी अगर कोई बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, चाहे हवाई जहाज आ रहे हैं, बाहर से जो भी आ रहे हैं उनकी जाँच की जाए और जो भी यात्री उतर रहे हैं उनकी भी जाँच की जाए। इसीलिए हर एक जिले के जितने भी डीएम हैं और सिविल सर्जन को उनको बकायदा उनको एक एक तरीके से कहा जा रहा है कि आप हर एक पे वॉच करते रहें, क्योंकि जो बाहर से क्योंकि होली है, होली से बाहर से लोग आते हैं हमारे यहाँ, जो भी बिहार के रहने वाले हैं वो और अलग अलग राज्यों में रहते हैं, तो वो अब होली में आएंगे, तो आने के बाद अगर कोरोना का क्योंकि रफ्तार बढ़ेगा तो बिहार में इसलिए चिंता का विषय ना बने, इसलिए आज मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। जैसे कल का है कि भागलपुर में 12 कोरोना के पेशेंट मिले हैं, वहीं पटना में 25 मिले हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता है बिहार सरकार में, इसी को लेकर मुख्यमंत्री आज बैठक कर रहे हैं। राजीव, लोगों में ये डर है कि पिछले साल के जैसा कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, क्या इस पर भी चर्चा हो रही है, क्या कुछ बात सामने निकल कर आई है अब तक? एक खबर अफवाह जैसी है, कल एक लेटर शिक्षा विभाग से निकला था कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और जो भी उसके बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन वो लेटर फर्जी निकला, क्योंकि जब शिक्षा सचिव ने कहा कि ये एक तरीके से फर्जी है, कोई ऐसा भी लॉकडाउन चाहे उससे मामले बंद नहीं किए जाएंगे, तो ऐसा अभी लॉकडाउन का कोई भी होली हो, क्योंकि होली से पहले लॉकडाउन नहीं, अभी सरकार अभी सोच रही है, लेकिन हाँ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक तरीके से निगरानी कर रहे हैं कि हर एक जिले की स्थिति क्या है, सिविल सर्जन क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से ये रिलेटेड है, तो स्वास्थ्य विभाग की भी समझ है कि भाई अस्पताल में कितने लोग आ रहे हैं कोरोना से लेके, चाहे कोई और बीमारी है कि उनको कोरोना ना हो, इसलिए टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है, अब सरकार टेस्टिंग के लिए भी बढ़ रही है और वहीं वैक्सीन का भी जो भी है चल रहा है उसको भी बढ़ाया जाए। सरकार विचार कर रही है कि वैक्सीन के भी रफ्तार बढ़े कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाए तो कोरोना के कंट्रोल पाया जाएगा। तो क्योंकि होली है, पर्व आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को चिंता है कि बाहर से आने वाले जितने भी गाड़ियां हैं, कहीं उसमें अगर बाहर से कोरोना आ जाता है तो बिहार में एक तरीके से जिसका फैलाव बढ़ेगा, बढ़ने के चलते तो इसीलिए समीक्षा बैठक। राजीव, हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार अभी डीएम के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं और कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर बातचीत की जा रही है। झारखंड में कोरोना ने फिर से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। राज्य में महीनों बाद कोरोना के नए संक्रमित मरीज का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। शुक्रवार को नए आंकड़े के अनुसार पूरे राज्य में कोरोना के 105 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रांची में ही पाए गए, जिनकी संख्या 39 है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग ने भी चिंता जाहिर की है और राज्य के लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, झारखंड में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, क्या कुछ इस पे किया जा रहा है वहाँ पे कोरोना केसेस को लेकर? देखिए, कोरोना को रोकथाम के लिए यहाँ पर दो दिन से मास्क चेकिंग लगाया जा रहा है, जो भी बाहर दिखेगा उसको मास्क पहनना अनिवार्य है, नहीं तो
फाइन काटा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक दिन में लगभग 2 लाख से ऊपर फाइन काटा जा चुका है मास्क को लेकर के, और तमाम तरह के गाइडलाइन जो है उसको जारी फॉलो करने के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। और 17 तारीख को पीएम के साथ सीएम की बैठक थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से। उसमें सीएम जब पीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद उसके बाद जब बाहर निकले तो वो मीडिया से बात करते हुए कहे कि अगर हो सकता है कि कड़े कदम उठाने पड़े तो फिर से एक बार कड़े कदम उठाए जा सकता है सख्ती बरतने के लिए। मतलब उनका इशारा था कि अगर कहीं फिर से पिछले साल वाली स्थिति होती है तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि रांची और जमशेदपुर दो ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार कोरोना के केस दिखाई देते हैं। सबसे पहले वहीं पर सीएम भी कह चुके हैं कि इसलिए वहां पर बढ़ते हैं क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं रांची में ज्यादा आते हैं और जमशेदपुर में आते हैं, तो इसलिए दोनों जगहों पर खास निगाह बनाए। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया कृष्णा। तो आपको बता दें कि झारखंड में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया और रांची जमशेदपुर में सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। राजधानी पटना में एक होटल में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बिहार में अब बड़े पैमाने पर इथेनॉल का उत्पादन होने की बात कही, जिसके लिए बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल के उत्पादन का रास्ता साफ होने से बड़े पैमाने पर निवेशक आएंगे और राज्य में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कर रहे हैं, टॉय इंडस्ट्री की कर रहे हैं, अपैरल की कर रहे हैं, सब की हम चिंता करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमने शॉर्ट में बताया है क्योंकि इंडस्ट्री तो हर जगह जुड़ी है और इंडस्ट्री का मतलब यहाँ से बुनकर जीविका दीदी से लेकर बिरला जी की मिल तक सबको हमें देखना है। तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में आज सौ विधायकों ने सुकमा में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए विनोद यादव के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद के घर जाकर 15 दिनों के भीतर पेट्रोल पंप और अनुदान राशि समेत अन्य मदद देने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। आपको बता दें कि विनोद यादव 4 अप्रैल 2014 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। उस समय मुख्यमंत्री ने शहीद विनोद यादव के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा राशि और नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी शहीद परिवार के परिजनों को ना तो मुआवजा मिला और ना ही नौकरी। उदाहरण के तौर पर देखें शहीद विनोद यादव के मामले में, शहीद विनोद यादव 4 अप्रैल 2014 को सुकमा में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। पेट्रोल पंप करा देंगे और अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान कराएंगे, और इस मामले को हमने सदन में भी लाया था और सदन में सरकार ने आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के अंदर इसका अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान कर देंगे, लेकिन 15 दिन। पलामू के पांके थाना क्षेत्र के केकड़गढ़ पंचायत के ग्राम मतनाग में जंगल के पास शनिवार को बम फट गया जिसमें एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है पलामू से, जहां पर एक जंगल में बम फटने से एक महिला घायल हो गई और उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मतनाक जंगल के पास शनिवार को बम फट गया। ये बम कहां से आया वहां पे जंगल में, अभी तक इसकी कोई खबर सामने नहीं आई है, कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि मतनाग में जंगल के पास शनिवार को बम फटने से एक महिला घायल हो गई, जहां पर उसका इलाज अभी कराया जा रहा है। उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरु जुड़ चुके हैं। गुरु, क्या है ये पूरी खबर, वो बम फटने से महिला घायल हो गई है, जंगल में वो बम आया कहां से आखिर? जी, मैं बता दूं कि ये घटना जो है पांके थाना क्षेत्र का है, क्योंकि अक्सर जो है ऐसी घटनाएं होती रहती है जंगली क्षेत्रों में, फिर भी जो है बावजूद प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेता है, क्योंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जंगली क्षेत्रों में अपनी फसल को बचाने के लिए इस तरह के मुख्य जो है देसी बम
तैयार किया जाता है जिसको फसल बर्बाद ना हो, क्योंकि जंगली क्षेत्र में अक्सर होता क्या है कि जानवर आते हैं फसल को बर्बाद करते हैं खाते हैं, इसलिए ग्रामीण जो है इस बचाने के लिए अपने फसल को इस तरह के बम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बीच जो है महिला जो है अपना अरहर का खेत था उसको काटने के दौरान जो है बम लगाया गया था, वही बम जो है इसके पैर के नीचे आ गया जिससे इसको बम फटने से झटका लगा है, जिसके बाद जो है ग्रामीण जो है इस महिला को जो है एक निजी क्लिनिक में ले जाते हैं जहां अभी फिलहाल इसका उपचार चल रहा है। जी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया गुरु। तो आपको बता दें कि पाके थाना क्षेत्र में मतनाग गांव में जंगल के पास बम फटा, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि ऐसी घटनाएं वहां पर होती रहती हैं। जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए लोग वहां पे देसी बम लगाते हैं, लेकिन महिला ने गलती से बम पर पैर रख दिया और वो बम फट गया, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बेगूसराय में मानवता को शर्मसार करने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां महज पेड़ काटने के मामूली विवाद में पड़ोसी ने 13 साल की मासूम बच्ची पर तेल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के शिवरौना गांव की है। घायल बच्ची की पहचान राम लगन यादव की बेटी पूनम कुमारी के रूप में की गई है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र बन चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है अभी तक इस मामले में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह मामला बरौनी थाना क्षेत्र रैना गांव की है, जहां 13 वर्षीय बच्ची की मामूली विवाद में पड़ोसी के द्वारा जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये आपसी रंजिश का मामला सामने आया है। बच्ची का इतना कसूर था कि जो बगल में पेड़ का गाछ था उसको ने उस डाली को तोड़ दिया था। इसी से नाराज होकर पड़ोसी ने उसे जिंदा जला दिया। हालांकि वहां पर जब चिल्लाने की आवाज ग्रामीणों ने सुना तो ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए मानवता का एक परिचय देते हुए उस लड़की को उठा उठा कर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी आरोपी पुलिस के पकड़ से बाहर है। जी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बच्ची की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, लेकिन अभी भी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसमें आपसी रंजिश का मामला सामने आया है, जिसमें एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया।